मीरगंज के एक सपा नेता पर ठगी करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को कार्यवाही के लिए सौंपी तहरीर। जानकारी के अनुसार थाना शाही क्षेत्र के गांव बकरी बुजुर्ग के रहने वाले कल्याण राय भजागन सिंह ने मीरगंज निवासी एक सपा नेता पर नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को दी तहरीर में बताया है कि 2016 में मीरगंज के एक सपा नेता ने नगर निगम बरेली में संविदा सफाई कर्मचारी की नौकरी दिलाने के नाम पर दोनों से 2,10,000 रुपए ले लिए और इसके बाद कई बार वह दोनों रुपए वापस मांगने गए तो जान से मारने की धमकी देते हुए दोबारा पैसा न मांगने की बात कही। वहीं थाना शाही पुलिस तहरीर के आधार पर पूरे मामले की जाँच में जुटी है। गंगवार मीरगंज के उन्होंने 2016 में नौकरी लगवाने के लिए संविदा सफाई कर्मचारी की नौकरी लगवाने के नगर निगम में निकली थी। उसके पैसे मतलब डेढ़ लाख रुपए तय हुए थे, जिसमें से 5 लोगों के पैसे लिए थे, राजकुमार, राकेश, रामकिशोर, कल्याण, जागन, ये मतलब हम लोग बफरी अब्दुल नबीपुर के हैं, बफरी बुजुर्ग काशीपुर, इन 5 लोगों से 1,05,500 रुपये लिए थे, सब मिला के 5,25,000 रुपये ही है। जब जाते रहे उनके घर पे गए तो मतलब मना भी नहीं किया उन्होंने, और कहते रहे बोले दे देंगे। कई बार गए हम और उसके बाद में उन्होंने कहा कि हम अपनी जमीन बेच के मतलब पैसे देंगे। वो वहाँ खोज निकाली, उनकी ज़मीन भी नहीं थी, उनके नाम में नहीं थी। दूसरी बात, फिर लास्ट बार जब गए थे हम तो उन्होंने मतलब हमें गाली गलौज किया, मारने को दौड़े वहाँ और घर से हमें बाहर निकाल दिया और बोला मैंने किसी के पैसे नहीं, और फिर उसके बाद में बोले कि वो मैंने किसी के मतलब पैसे नहीं लिए, जहाँ मर्जी चाहे वहाँ जो कुछ करना है कर लो मुझे। कहाँ शिकायत की है जी? शिकायत कहाँ की है आपने? थाने में शिकायत की है सर, अभी शाही थाने में।